सो फाइनली गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही छोटा सा टूल है, लेकिन इसका जो काम है वो बहुत ही बड़ा है। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारे कंपनी के फ़ोन आते हैं जिसके अंदर EMMC का प्रॉब्लम होता है। अब आप लोग अगर EMMC प्रोग्रामिंग वगैरह में नॉलेज रखते हो या फिर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हो तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टूल है सबसे बड़ी बात है कि फ्री है और इसकी जो जानकारी है वो आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, बेसिक से समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वीडियो में आप क्या करते हो कि सोचते हो कि जल्दी से जल्दी कोई नॉलेज मिले या ना मिले बस देख के हट जाए, तो आप लोग यकीन मानो ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो आपको बहुत कुछ वे सीखने के लिए इस वीडियो में मिलेगा। तो हम बात करने वाले हैं कि EMMC जो आपके फ़ोन में लगी होती है उसमें कई बार क्या होता है कि जैसे आप EMMC का ख़राब हो गया, EMMC कई तरह से ख़राब हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप निकालते समय हीट वगैरह लग गया, फिर पिन वगैरह उखड़ गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया जिसमें कि आपका EMMC मान लीजिए ख़राब हो गया, तो होता क्या है कि उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि उसमें और कौन कौन सा EMMC लगा सकते हैं आप? जैसे हर फ़ोन में अपनी अलग EMMC लगी होती है, तो एक फ़ोन के अंदर आप कई कंपनी की और कई मॉडल की EMMC लगा सकते हैं, तो ये चीज़ आपको पता कैसे चलेगा? तो ये एक फ्री टूल बताता है कैसे उसको चालू करना है, क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। अब जैसे मान लीजिए दूसरी कंडीशन होती है कि आपके पास कोई फ़ोन आ गया जिसके अंदर EMMC लगी है, तो उसको आप चेक करना है जैसे फ़ोन डेड है या फिर उसमें कोई एरर आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है EMMC से रिलेटेड, तो आपको चेक करना है EMMC का हेल्थ ख़राब होगा तभी तो ऐसा होगा। तो EMMC हेल्थ मान लीजिए 90% कंज्यूम हो गया, तो आप उसको दो तरीके से चेक कर सकते हो, एक तो EMMC निकाल के चेक कर सकते हो, दूसरा कंडीशन है EMMC में जैम्पर लगा के कर सकते हो, CLK डाटा वगैरह का पॉइंट जो होता है उसमें उसका जैम्पर करके आप उसको चेक कर सकते हो हेल्थ, तो उसमें बता देगा 90% कंज्यूम। तो ऐसे में क्या होता है कि उसको हम रिपेयर करके फिर से लगा के चला सकते हैं, बट होता क्या है कि वो EMMC थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टेड होती है, क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो लगभग वो 90% यूज हो चुकी है, आप उसको फिर से रिपेयर करके तो चला सकते हो बट उस फोन की लाइफ उतनी नहीं रह जाएगी, जिसके जगह पे अगर आप नया EMMC डाल देते हो तो उसकी लाइफ कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन होती है, तो आप लोगों को भी ये भी जानना जरूरी है कि जिस फ़ोन का EMMC 90% कंज्यूम हो गया है तो वो अगर आप नया चेंज करते हो, कस्टमर से बता के चीज़ समझाओ, कस्टमर मानता है तो आप नया चेंज करो, तो उसमें क्या है ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अब नया चेंज करोगे तो कौन सा चेंज करोगे, कैसे पता चलेगा, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टूल हमारे सामने है फ़ोन माइक्रो DB नाम से, और इसका सेटअप कैसे करना है, क्या करना है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियरली बताऊंगा। तो यहाँ पे Redmi 8 लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे XIAOMI सेलेक्ट किया। यहाँ पे XIAOMI में 3-4 सीरीज आते हैं, एक आता है आपका जैसे XIAOMI कंपनी है वो एक MIM नाम से बनाती है, N नाम से बनाती है, P नाम से बनाती है, R नाम से। तो M का मतलब हो गया आपका MI सीरीज, N का मतलब हो गया नोट सीरीज जैसे नोट 5 प्रो, नोट पी का मतलब पोको सीरीज और आर का मतलब रेडमी सीरीज, रेडमी गो, रेडमी 5। तो ये हो गया, आप इसका समझ गए। तो रेडमी का मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे और 8 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे इतने सारे आए, देखिए इंस्टॉल सजेशन, मतलब कि आपका जो रेडमी 8 आपके पास जो फ़ोन रहता है उसके अंदर जब कोई कंपनी फ़ोन बनाती है तो उसके अंदर ये दो EMMC इंस्टॉल रहती हैं, जिसमें से EMMC का दोनों का नंबर ऊपर नीचे दिया हुआ है जो कि सैमसंग की EMMC है, और EMMC का यहाँ पे पूरा मॉडल डिटेल दिया हुआ है कि ये EMMC आप सैमसंग सॉरी मतलब आपके Redmi 8A में लगी होती है, कंपनी लगा के देती है। तो ये दोनों आपके पास अगर अवेलेबल होता है तो ये दोनों आप भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे सजेस्टेड दिया है, यानी कि आपको इन सबको भी डालना है, आपके पास अगर ये EMMC भी अवेलेबल होता है किसी और फ़ोन का भी आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, RP NB डाटा वगैरह क्लीन करके आप उसको भी डाल सकते हो। अब इसके ऊपर में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दो, मैं आपको बहुत जल्द इसके ऊपर भी वीडियो बना के बता दूंगा कि RP NB डाटा वगैरह कैसे क्लीन करना है। देखिए EMMC प्रोग्रामिंग और सिक्योरिटी रीड करना ये सब थोड़ा इलीगल है यूट्यूब पे, तो इसके ऊपर खुल के वीडियो हम नहीं बना पाते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। बट ये बेसिक चीज़ अगर आप जान लोगे तो वो भी वीडियो कहीं ना कहीं अब बहुत जल्द आपको कोई ऐसा सुविधा उपलब्ध कराने की मैं कोशिश करूँगा जिससे कि आपको ये सब भी बता सकूँ, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पहले ये बेसिक चीज़ आप समझ लो, सारी चीज़ें आपके पास जब होंगी, सारी नॉलेज होंगी, तब जाके आप पूरी तरह से किसी भी चीज़ को समझ पाओगे। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सारे सजेस्टेड दिया हुआ है कि इतने सारे EMMC को आप लगा सकते हो इसके अंदर, ये सारी EMMC जिसमें SK हाइनिक्स का है, सैमसंग का कुछ मॉडल है, माइक्रोन का है, और इसका अलावा सेंडिक्स का है। तो सैमसंग की EMMC इसमें कंपनी लगा के देती है रेडमी 8 में, ऐसे ही मैं 9A का देखता हूँ। चलिए ये एप्लीकेशन थोड़ा सा डाटा से चलता है तो थोड़ा स्लो काम करता है, एकदम जल्दी जल्दी नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें इंस्टॉल्ड 2 EMMC है, इन्हीं दोनों को आप लगा सकते हैं, इसके अलावा इसमें दूसरा EMMC शायद काम नहीं करेगा। तो ये टूल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको सब कुछ बता के देता है, इसमें सजेस्टेड में कुछ भी नहीं दिया है, मतलब आप यही 2 EMMC इसके अंदर लगा हुआ आता है और यही दो लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे जैसे Redmi 10
और ये कौन सा है, रेडमी 10 है और इसका क्या लिखा है, 10S है शायद, जो भी हो, इसमें एक ही MMC लगी तो एक ही लगा सकते हो। इसके अलावा हम रेडमी 5 नोट 5A में चलते हैं, तो थोड़ा सा ये खुल टूल जो है वो खुलने में समय लगता है। ये देखिए बाप रे, इसमें तो पूरी MMC की लिस्ट जारी कर दी इन्होंने। ये देखिए इतने सारे MMC इसके अंदर आप लगा सकते हो, ये सारी MMC आप आसानी से लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, सभी MMC आपकी इसमें काम करेंगी। तो अब हम चलते हैं कि इसका सेटअप कैसे करना है। आपको बहुत ज़्यादा बकवास कर दिया, फटाफट से इसको कट करते हैं। ये हमने कर दिया कट, ये टूल हमारा कट हो गया। अब देखिए इसको सेटअप कैसे करना है, तो यहाँ पे चले जाना है गूगल पे, गूगल पे आके आपको लिखना है माइक्रो DB सॉफ्टवेयर, बस सिंपल सा इसको आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे extendbox.com नाम सा एक वेबसाइट है, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर बाय चांस आपका कोई दूसरा वेबसाइट आ जा रहा है तो आप दोबारा बैक करके फिर दोबारा सर्च करिए, जो मैंने बताया माइक्रो USDB, तो फोन माइक्रो DB आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे देखिए आपको सेटअप लिखा हुआ है, इस सेटअप पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस सेटअप पे क्लिक करोगे तो आपको सीधा ये डाउनलोड पे ले जाएगा, और यहाँ पे ओके कर दोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो फाइनली हमने तो पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो आपको मैं डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा। अब ये आपका कहाँ जाएगा, ये डाउनलोड में चला जाएगा। तो हमारा डाउनलोड जैसे मान लीजिए कि ये हम चले जाएंगे अपने कंप्यूटर में, और जहाँ भी ये डाउनलोड होकर गया है, जैसे इस फाइल इसके अंदर आपका डाउनलोड होकर आएगा मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे मान लीजिए कि ये वाला हमारा सेटअप बोर्नियो स्कीमेटिक है, मान लीजिए कि वो टूल है, क्योंकि मैंने इसको जहाँ भेजना था वहाँ भेज दिया। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि उस टूल को कॉट करना है और सीधा चले जाना है अपने माई कंप्यूटर में, और इसके अंदर आ जाना है लोकल CDs में, और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना, पेस्ट कर देना है। समझ रहे हैं, ये देखिए फोन माइक्रो DB मैंने यहाँ पेस्ट कर रखा है। तो जब यहाँ आप पेस्ट करोगे तो यहाँ पेस्ट करने के बाद से ये तो एक जिप फाइल में होगा, तो चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। ये रहा, ये हमारा सेटअप है। अब इसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि इसको आपको यहाँ भेजना पड़ेगा डायरेक्ट सी में भेजेंगे तो परमिशन मांगेगा कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ सी में आप डालते हो तो दो बार परमिशन मांगता है, एक बार में नहीं जाता है। मैं आपको एक बार भेज के दिखाई देता हूँ। चलो तो ये रहा हमारा पेस्ट, ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यू बोल रहा है, हमने कंटिन्यू कर दिया, अब जाके ये इसके अंदर पेस्ट हो गया। ठीक है, तो हमने इसको कॉट किया है, न कि कॉपी किया है, डायरेक्ट पोर्ट करना, क्योंकि हमें यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको कर लेना है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट। अब एक्सट्रैक्ट पे जब क्लिक करोगे तो ये एक्सट्रैक्ट होके एक इस तरह की फाइल बन जाएगा। ये देखिए जैसे कि मेरा ये फाइल बना हुआ है, तो यहाँ मेरा फाइल बन गया और यहाँ पे ये वाला टूल आ चुका है। तो ये इतना आपको काम कर लेना है। तो चलिए बोर्नियो स्कीमेटिक को मैं वापस से कॉट करके इधर बांध लेता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं किया था। चलिए तो ये टूल है, और ये डाउनलोड होने के बाद से कैसे क्या होगा आप समझ रहे हैं ना, मैं जो बता रहा हूँ एकदम अच्छे से समझ जाइए। और इसके बाद से यहाँ पे इसको क्या करना है, ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके और यहाँ से आपको सेंड टू में जाके और सीधा आ जाना है नीचे, और ये रहा डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बन जाएगा इसका, बस ये आपका मेन काम है, इससे आपका सेटअप तैयार हो जाएगा इस सॉफ्टवेयर का। अब आपको क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आपका ओपन होगा। यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला हुआ है, तो इस पे आपको नहीं जाना है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको ये देखिए यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अकाउंट, आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। यू वांट टू न्यू क्रिएट अकाउंट, यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। अब देखिए आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है जो आप यूज करते हो, और यहाँ पे कोई भी नया एक पासवर्ड सेट कर लो। पासवर्ड आपका और कैपिटल स्मॉल और अल्फाबेटिक होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ABCD@123 ये कैपिटल कर दीजिए, ABCD जो भी आपका पासवर्ड हो, तो इस तरह का पासवर्ड आपको दोनों में डाल के और यहाँ पे आपका जीमेल आईडी अपना डाल देना। इसके बाद यहाँ पे क्रिएट करोगे, क्रिएट होने के बाद से यहाँ पे आपको क्या करेगा, नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाएगा और वहाँ पूछेगा कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, आप अपने जीमेल पे जाइए। तो अपने फ़ोन का जीमेल आप खोलोगे तो उसमें एक मैसेज आएगा, जीमेल के ऊपर जब मैसेज आएगा उस मैसेज को आपको सिंपल सा क्या करना है, वहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देंगे तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट, और यहाँ उसके बाद से आपका लॉगिन हो जाएगा। अभी यहाँ पे लॉगिन हो गया कि एक्टिवेट हो गया, यहाँ भी लिख देगा कि आपका अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड। एक्टिवेट होने के बाद से इन सारे को ओके डन कर देना है। डन करने के बाद से पूरा कट कर देना है, पूरा काट देना आपको, फिर इसको दोबारा खोलना है। कट करने के बाद से आपका जैसे अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कई लोगों का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका जो ईमेल जो सेंड होता है, ईमेल पे जो एक्टिवेशन कोड मतलब एक्टिवेट के लिए जाता है, कोई कोड नहीं जाता है, बस वहाँ पे ऑप्शन आता है कि एक्टिवेट लिखता रहता है, एक्टिवेट करिए, एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं एक्टिवेट हो जाता है। तो वो ऑप्शन कई लोगों में नहीं जा रहा है। ऐसे कंडीशन में आप दूसरा जीमेल आईडी और दूसरा फ़ोन नंबर वगैरह डाल के ट्राई कर सकते हैं। इसमें फ़ोन नंबर भी मांगता है, हो सके तो फ़ोन नंबर भी आप डाल सकते हैं। तो फ़ोन नंबर नहीं मांगे तो मत डालिए।
तो ये सिंपल सा अकाउंट बनाना है और आपके जीमेल पे उसका एक वेरिफिकेशन जाएगा, उसको ओके कर देना, उसमें कोई कोड नहीं जाएगा, बस ओके का ऑप्शन आएगा एक्टिवेटेड का, एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे आपका काम हो जाएगा। तो ये बेसिकली था। अब जिसके पास इसका एक्टिवेशन कोड नहीं जा रहा, क्योंकि दो चार मेरे दोस्त हैं जो बता रहे थे कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरा कोड एक्टिवेशन जो जीमेल पे वो नहीं जा रहा है, तो आप दूसरा जीमेल और दूसरा अपना आईडी डाल के नया बना लीजिए। जीमेल आईडी भी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत आप नया बना सकते हैं। तो छोटा सा काम है, चाहे आपके पास हर किसी के पास दो तीन जीमेल आईडी होता है, तो अगर एक जीमेल पे ऐसा बाई चांस अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तब कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए। इसके बाद से अब आपको क्या करना है, आप अपना ईमेल आईडी डालना है या पासवर्ड डालना है। ये एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड से आप कई लोग अकाउंट चला सकते हैं, 5-6 कई लोग को दे सकते हैं, आप अपने दोस्त को भी दे सकते हैं अपना जीमेल और इसका पासवर्ड। इसका पासवर्ड आपका जीमेल का पासवर्ड नहीं डालना है, इसका कोई भी अलग पासवर्ड आप डाल सकते हैं। तो दोनों डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर देना है, सिंपल था। और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए ताकि बार बार आपको पासवर्ड और आईडी नहीं डालना पड़े, सेव रहे वो हमेशा। बस आपको लॉगिन पे क्लिक करिए, फट से खुल जाए। ये भी समझ गए आप। अब आपका जब ये टूल खुलेगा तो यहाँ पे देखिए पूरे मोबाइल का मॉडल आ रहा है। ये थोड़ा खुलने में समय लेता है और यहाँ पे ये टूल के जो मॉडल आपको दिख रहा है, हो सकता है आप पहली बार खोलोगे तो थोड़ा समय कुछ देर के बाद आएगा, और अगर आपका नहीं आ रहा है, खाली ये लिंक खुल रहा है, यहाँ पे मॉडल वगैरह आपको नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, फिर से टूल को कट करके दोबारा खोलिए, क्योंकि पहली बार जब खोलते हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, हो सके तो। ऐसा मैं मतलब एक वो बता रहा हूँ, भाई बाई चांस आ भी सकता है। तो ये चीज़ समझ गए। अब आपको यहाँ पे मॉडल देख लेना है, कौन सी मॉडल इसके अंदर आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए लेनोवो है या फिर मान लीजिए आईटेल है, तो आईटेल का हमें देखना है, आईटेल का कोई मॉडल आपके पास आया जिसका यूएमएमसी खराब है। इसमें सारे ही मॉडल हैं, जितने भी मोबाइल हैं सब कुछ हैं, एमआई, वीवो, ओप्पो, रियलमी सब है। जैसे मान लीजिए कि मैं वीवो चलता हूँ, तो वी पे चलता हूँ, ये रहा वीवो, वीवो पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक 1 सीरीज है, एक 20 सीरीज, एक 22 सीरीज, एक सीरीज इसमें नहीं दिया है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट एक सीरीज वैसे भी कोई ज़्यादा यूज नहीं करता है। तो यहाँ पे हम 1 पे नहीं चलेंगे, वाई सीरीज पे चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर वाई ही चल रहा है। तो डबल क्लिक करेंगे वाई पे, डबल क्लिक वाई पे करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है। अब देखिए वाई में बहुत कमी मॉडल इसमें दिया हुआ है हालांकि, तो फिर भी देखिए पहली बात तो ये फ्री टूल है और लगभग मेन मॉडल इसमें दे दिया गया है, और बाकी ये अपडेटेड भी होते रहता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वाई में वाई 12 है, वाई 20 वगैरह तो नहीं दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 पे एक बार क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। अभी देखिए 1 पे भी ज़्यादा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो वाई सीरीज में हमारा मान लीजिए कि जो भी मॉडल है वाई 12 ही है, तो वाई 12 पे डबल क्लिक किया हमने, तो ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल गया इसमें एक ही EMMC सपोर्टेड है, तो आप इसमें एक ही EMMC ये मॉडल लगा सकते हो, दूसरा EMMC इसके अंदर नहीं लगेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये टूल आपको ये बता रहा है कि आप इसके अंदर कोई भी EMMC, देखिए EMMC भी कई तरह की आती है, इसमें देखिए 64 GB रोम दिखा रहा है, 3 GB रैम दिखा रहा है, तो आप रैम रोम जो भी है उसको इस हिसाब से ये सजेस्ट कर रहा है, उस हिसाब से आप उसको आसानी से लगाओगे तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी EMMC का डिजाइन तो सेम है बट इसमें सपोर्टेड नहीं रहेगा, आप लगा दोगे तो ऐसे में आपका काम भी टाइम वेस्ट होगा और कोई फायदा नहीं होगा। तो ये टूल आपको बेसिकली देखा जाए तो आपको ये बता रहा है कि आप एक मॉडल के अंदर कितने सारे EMMC सपोर्टेड होते हैं और कितने सारे EMMC को आप उसमें बिना किसी टेंशन के लगा सकते हो। तो ओप्पो पे जैसे मान लीजिए मैं क्लिक करता हूँ, और ओप्पो के अंदर कई सीरीज आता है, ए सीरीज जैसे मान लीजिए A5, A7, A5S जैसे मान लीजिए, मैं क्लिक करके एक बार देख लेता हूँ, थोड़ा सा समय लगता है खुलने में। तो ये देखिए ओप्पो के A5S जो फोन है उसके अंदर आप इतने सारे EMMC लगा सकते हैं, जिसमें कि आपका सेंडिक्स का है, माइक्रोन का है, सैमसंग का है, SK हाइनिक्स है, और इसके अलावा सैमसंग SK हाइनिक्स, इतने सारे हैं जिसमें से आप सारे 64, 32, 16 सब लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका यूज। अगर आपका 32 GB का लगा है तो आप उसको इंक्रीज करना चाहते हो तो 64 GB का आप सैमसंग लगा सकते हो, 32 GB का भी सैमसंग लगा सकते हो, 16 GB का भी सैमसंग लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे इसका रैम भी है वो भी बदल सकते हो आप, 4, 3, 2 जो चाहो उसके हिसाब से कस्टमाइज आप कर सकते हो। कस्टमर को डाटा ज़्यादा चाहिए तो आप यूज करके इसमें ज़्यादा डाटा का लगा सकते हो। तो ये है एल्गोरिथम, इससे आप समझ सकते हो। तो ये टूल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। बाकी आपके अंदर कोई भी डाउट है कमेंट करिए, अगर टूल आप में नहीं खुल रहा है अगर कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब कल या परसों से हो सकता है तो आपको बहुत जल्द बोर्नियो स्कीमेटिक के चैनल पे हमारे वीडियो स्टार्ट होने वाली है, जिसमें पहले बेसिक समझाएंगे कैसे बोर्नियो स्कीमेटिक यूज करना है, क्या क्या फंक्शन दिया है बोर्नियो स्कीमेटिक, और उसके अलावा उसको आगे भी हम देखेंगे। हम थोड़ा सा बोर्नियो स्कीमेटिक टीम से एक बार बात करके देखना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बोर्नियो स्कीमेटिक के बारे में हम बताने लगे और स्कीमेटिक वाले वो समझे कि इलीगल है सारा हमारा ओपन करके दिखा रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा डाउट है उनसे क्लियर कर ले तो उस पर वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।